हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, सोचते होंगे कि ये हम लोग कहाँ आ गए अचानक। तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल से वीडियो नहीं बना पाई हूँ। अभी मैं मायके से आई हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो शायद आप लोग सोचते होंगे कि मेरे हस्बैंड कहाँ रहते हैं। तो ये है, मेरे हस्बैंड यहाँ रामगढ़ ज़िले में रहते हैं और यहाँ पे रूम, ये जो आप देख रहे हैं ये सब सारा रूम रेंट में हम लोग रहते हैं यहाँ पे। और देखिए, गांव से आए हैं तो इतना सारा सामान सारा बिखरा हुआ है इधर उधर। और यहाँ जिस टाइम हम लोग लॉकडाउन में गए थे, तो जिस टाइम हम लोग गए थे उसके बाद यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ काम चल रहा था सारा, ये घर में कचौड़ा वगैरह हो रहा था। तो सारा सामान इधर उधर हो चुका है, तभी हमको ये सब सारा सरियाना है। देखते किचन भी कैसा हो गया है। और हम लोग अभी गांव से जस्ट आए हैं, आधा घंटा हुआ है। और चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को कि पूरा घर कैसा बिखरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये बाहर का रूम है, यहाँ पे सारा बिखरा हुआ है। देखिए यहाँ पे सारा इधर उधर सामान अभी बिखरा हुआ है। ये सब अभी हमको सबको रखना है सारा अच्छे से। और यहाँ किचन में देखिए, किचन में गंदा भी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, किचन भी गंदा हो चुका है। ये देखिए पूरा कैसा हो गया है। और यहाँ थोड़ा सा ये नमी टाइप में है रूम, तो सारा ये नमी नमी हो जाता है। जितना है सारा को, ये हम लोग समोसा लाए थे तो अभी हम लोग समोसा खा लिए हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे कैसे सारे सामान बिखरे वगैरह हैं। और ये जो आप मेरे हाथ में बैग देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही पड़ा रहता है बैग। तो सोचे कि इसमें सारे बुक वगैरह हैं जितने, वो सारे रख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पहले और भी ज़्यादा नमी रहते थे, अभी कुछ कम हो गए हैं नमी, क्योंकि टाइल्स लगा दिए हैं नीचे ज़मीन में। और ये वो जो पीछे आप दीवार में दिख रहे हैं उसमें भी टाइल्स लगा दे रहे हैं। देखिए इधर भी नमी हो गया है, तो सोचे कि बेड को इधर घुमा देंगे। तो अभी ये जितने भी बुक वगैरह है, कॉपी वगैरह है, ये सब बैग में रख देते हैं, क्योंकि इधर उधर फिर यहाँ पे ज़्यादा रेक नहीं है अंदर में। तो नीचे वाला भी कुछ बुक रखे हैं और कुछ आरओ का खिलौने वगैरह हैं, ये सब कुछ कुछ रखे हुए हैं। तो वहाँ पे जगह नहीं था, तो सोचे कि बैग में रख देते हैं उसके बाद। तो अभी काफ़ी रातें हो चुकी है और इसको बस बेड साफ़ करने के बाद सो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो ये देखिए, ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का क्लिप है करीब 5 बजे का। और हम 5 बजे ही उठ गए थे, और उठते ही सबसे पहले हमने गर्म पानी करके और पी लिए हैं। और पीने के बाद सोचे कि सारा बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं। हमने डब्बे वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो ऐसे गाँव से आने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग का, करीब 3 महीना हम लोग का यहाँ बंद रहा। और बंद होने के बाद कुछ दिन पहले, आने से पहले यहाँ कुछ काम चला था, पेंट वगैरह हुआ है। और ये नीचे जो आप देखें, ये बेडरूम है, तो वहाँ पे भी टाइल्स नहीं थे, तो वहाँ पे ना टाइल्स लगवा दिए गए हैं। और अभी देखिए, ये गैस वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से बंद रहा तो फिर ये गंदा भी हो गया है सारा। तो ऐसे नाश्ता बनाने के नहीं मन करता है, तो सोचे कि सबसे पहले हम साफ़ वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह बना के और फिर नहा वहा के जाएंगे। तो आ रही तो फिर भूख लग जाती है, तो फिर रोटी अगर रोटी बना देते हैं। तो ये देखिए किचन में ना, यहाँ पे माथा में जब उठते हैं ना, तो वहाँ पर ही लग जाते हैं बेसिन में। तो ये घर में आदत हो गया है कि बड़ा बड़ा किचन, बड़ा बड़ा बेडरूम, तो यहाँ सारा चीज़ छोटा छोटा लग रहा है। आरवी अभी आई है, थोड़ा उसको भी अजीब लग रहा था।
तो यहाँ पे देखिए आरोही का बैट बॉल इधर है, कचरे वगैरह सारे अच्छे नहीं दिख रहे थे रूम वगैरह, तो कुछ अभी साफ़ किए थे और कुछ रात में भी साफ़ करके से सोए थे, और इधर फिर पोछा लगा देते हैं और जल्दी से पंखा वगैरह ऑन करके और सुखा देते हैं, क्योंकि रात में आरोही गिर गए थे क्योंकि ज़्यादा स्लिप करता है टाइल्स। और ये देखिए अभी भी बहुत बाकी है सामान वगैरह इधर उधर रखने के लिए। और ये देखिए किचन भी अब मेरा अच्छा लग रहा है, गैस भी कोई भी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए आ रही ना ये ब्रश कर रही है, थोड़ा पानी से खेलने लगती है। ये जो टब में आप देखिए ना, एक टब हमको अभी कपड़ा धोना है और बाल्टी में जो आप कचरे देखिए उसको फेंक। हेलो फ्रेंड, फिर देखिए अभी मॉर्निंग में मेरा सारा काम वगैरह हो चुका है, नाश्ता वगैरह भी बना लिए, बस खाए नहीं है, पूजा भी करके नहा वहाँ के पूजा कर ली है, और करने के बाद वहाँ लाइट कर दिया है रूम में, तो सोचे कि आप लोग से बात कर लेते हैं, मैं अपना वीडियो एंड भी कर लेती हूँ। और आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, पैसा लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो मेरे ब्लॉग वीडियो में मिलते रहे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।